हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं डेली बेसिस पर आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। जैसा कि आपका बीपीएससी टीआरई 3 का फाइनल आंसर की आ गया है, आप सभी ने अपना अपना मिला लिया होगा और ये आपको आंतरिक मन में ये विश्वास हुआ होगा कि मेरा हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो रिजल्ट भी बहुत जल्द ही आएगा, आप सबको पता चल ही जाएगा। उसके बाद टीआरई 4 भी जल्द ही आएगा एंड जितने भी फिजिकल एजुकेशन के कंपटीशन की एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरे साथ डेली बेसिस से बने रहिए और डेली बेसिस में आपको मैं फ्री में प्रिपरेशन करा रही हूँ और अपना सेल्फ स्टडी और मेरे साथ डेली प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों, ये सारी शिक्षा में अनुसंधान, रिसर्च एंड फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इसके क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन आ ही जाते हैं जिसमें आप क्वेश्चन का हल नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चंस को, इस सारे पार्ट्स को जो 8-10 वीडियो होंगी, ज़रूर अच्छे से देखिएगा। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, आंतरिक वैधता को खतरा किससे संबंधित है? तो आंतरिक वैधता को खतरा, दोस्तों, यह संबंधित है एविस इफेक्ट से। एविस इफेक्ट्स का प्रभाव तब होता है जब एक नियंत्रण समूह में विषयों को पता चलता है कि वे एक नियंत्रण समूह में हैं, तब वे कठिन प्रयास करके प्रतिक्रिया करते हैं। यह एक अध्ययन की आंतरिक वैधता के लिए खतरा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह अध्ययन जिसमें प्रतिभागी नहीं जानते हैं कि उनको मिलने वाला प्रशिक्षण प्रयोगात्मक अथवा नियंत्रित दल के अंतर्गत दिया जा रहा है, तो यह क्या कहलाता है? तो दोस्तों, यह कहलाता है ब्लाइंड सेटअप। क्या कहलाता है? ब्लाइंड सेटअप कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शोधार्थी यानी शोध करने वाला, रिसर्च करने वाला, जो भौतिक कारकों को विज्ञान के प्रभाव से जोड़ने का प्रयास करता है, वह क्या कहलाता है? एक रिसर्चर, और रिसर्चर हु अटेम्प्ट्स टू लिंक फिजिकल कॉजेज विद इफेक्ट्स इन साइंस इज कॉल्ड, यानी कि शोधार्थी जो है भौतिक कारकों को विज्ञान के प्रभाव से जोड़ने का प्रयास करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कौन जोड़ने का प्रयास कर सकता है? जिसके बाद बहुत सारा एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो, यानी अनुभववादी से यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एम्पिरिसिस्ट, अनुभववादी। क्योंकि अनुभववाद जन्मजात विचारों या परंपराओं के बजाय विचारों के निर्माण में अनुभव में अनुभवजन्य साक्ष्य की भूमिका पर जोर देता है। ऐतिहासिक रूप से अनुभववाद रिक्त स्लेट अवधारणा से जुड़ा हुआ है, जिसके अनुसार मानव जन्म के समय रिक्त होता है और अपने विचारों को केवल अनुभव के माध्यम से ही विकसित करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आप अपनी नौकरी को कितना पसंद करते हैं? किस तरह के प्रश्न का उदाहरण है? तो दोस्तों, आप अपनी नौकरी को कितना पसंद करते हैं, कोई आपको पूछ रहा है तो आप उसका आंसर एक या दो शब्द में नहीं दे सकते, इसलिए यह विस्तृत जवाब वाला क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं दोस्तों, तो यह विस्तृत जवाब वाला क्वेश्चन यानी कि ओपन रिस्पॉन्स क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 5 है, शोध संदर्भ के उद्धरण हेतु APA शैली का विकसित रूप क्या होता है? APA, A से हो जाएगा अमेरिकन और P से साइकोलॉजिकल और फिर A से एसोसिएशन। इसका राइट आंसर होगा, फुल फॉर्म होगा APA का, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, क्योंकि साइकोलॉजी की जो स्पेलिंग होती है P से शुरू होती है, PSYCHOLOGYICL, ठीक है। तो APA, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, यह दोस्तों अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका में मनोवैज्ञानिकों का सबसे बड़ा वैज्ञानिक और पेशेवर संगठन है। एक उदाहरण है कि आप शोध पत्र के भीतर विचारों के स्रोत को कैसे उद्धृत करते हैं।
संदर्भ वे स्रोत हैं जिनका उपयोग आपने स्रोतों के लिखने के लिए किया है। इन स्रोतों में शामिल और परामर्शित स्रोत दोनों शामिल हो सकते हैं। APA में केवल शामिल स्रोत ही संदर्भ सूची में आते हैं, केवल शामिल स्रोत आते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, उद्देश्य न्यायदर्श एक असंभावित न्यायदर्श की श्रेणी में होता है क्योंकि इसकी चयन प्रक्रिया होती है। सबसे पहले आप देखिए कि न्यायदर्श यानी कि सैम्पलिंग होता है क्या है। जैसे कि दोस्तों आपको बिहार की पूरी जनसंख्या में कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, इसको आपको जानना है। तो हम किसी एक क्षेत्र की सैम्पलिंग लेंगे, उसकी जनसंख्या देखेंगे कि इतने आयु तक इतने लड़के हैं, इतने लड़के हैं, तो एक जगह के हम निकाल के उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। उसी तरह पूरे बिहार की जनसंख्या को में से हम परसेंटेज निकाल लेंगे, हर घर जाएंगे नहीं, एक जगह के अनुसार पूरे बिहार की जनसंख्या से हम निकाल लेंगे, तो सैम्पलिंग होता है, उसे सैम्पलिंग कहते हैं। तो यहाँ पे उद्देश्य न्यायदर्श यानी सैम्पलिंग एक असंभावित न्यायदर्श की श्रेणी में आता है क्योंकि इसकी प्रक्रिया होती है। तो इसकी प्रक्रिया जो है अंतिम समय में इसका चयन होता है, अंतिम समय में इसका चयन होता है क्योंकि असंभावित न्यायदर्श एक ऐसा प्रतिदर्श है जहाँ जनसंख्या में से इकाई के चुनाव की संरचना में सभी के चुने जाने की संभावना बराबर न हो और पक्षपात की भी संभावना बनी रहे, इसे असंभावित न्यायदर्श कहते हैं। और उद्देश्य न्यायदर्श क्या होता है? उद्देश्य न्यायदर्श असंभावित न्यायदर्श का ही एक भाग है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उद्देश्य न्यायदर्श जो है शोधकर्ता का इकाइयों पर अच्छा नियंत्रण रहता है, न्यायदर्श समूहों की तुलना भलीभांति कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस प्रकार की शोध द्वारा व्यवस्थित ज्ञान को उत्पन्न एवं विकसित करने की के लिए अभिकल्पित किया जाता है? तो दोस्तों यह होता है मूलभूत शोध को, बेसिक रिसर्च को। मूलभूत शोध एक प्रमुख उद्देश्य नवीन सिद्धांतों का निरूपण करना, ज्ञान की सीमा में विस्तार लाना, नए सिद्धांतों का विकास करना, साथ ही साथ नियमों एवं नवीन शक्तियों की अवधारणा विकसित करना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रशिक्षण प्रक्रिया के सही अनुक्रम को बताइए। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रेनिंग प्रोसेस? दोस्तों सबसे पहले आप ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हम किस चीज का ट्रेनिंग दे रहे हैं, यानी सबसे पहले हम लक्ष्य निर्धारित करेंगे, ठीक है, तो गोल सेटिंग करेंगे। सबसे पहले हम लक्ष्य निर्धारित करेंगे यानी कि गोल सेटिंग करेंगे, उसके बाद उसके अनुसार हम क्या करेंगे, प्रशिक्षण देंगे, और प्रशिक्षण देने के बाद हम उसका मूल्यांकन यानी कि इवोल्यूशन करेंगे कि इसमें कहाँ तक प्रोग्रेस हुआ और क्या क्या कमियाँ हैं और पुनः क्या करने की ज़रूरत है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लक्ष्य निर्धारण, प्रशिक्षण देना, मूल्यांकन यानी गोल सेटिंग, ट्रेनिंग एंड इवोल्यूशन। यानी प्रशिक्षण किसी कार्य विशेष को संपन्न करने के लिए कर्मचारी के ज्ञान एंड उसकी निपुणताओं में वृद्धि करने का एक कार्य है। प्रशिक्षण एक अल्पकालीन शैक्षणिक प्रक्रिया है जिसमें एक व्यवस्थित और संगठित कार्यप्रणाली उपयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अलग अलग अवसरों पर या समतुल्य प्रश्न प्रशांशों के विभिन्न प्रशांश सेट पर एक ही व्यक्ति के प्राप्तांकों में स्थिरता अथवा संगतता कहलाती है। दोस्तों ये क्या बोल रहा है, थोड़ा आप ध्यान से पढ़िएगा कि द कंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी इन द स्कोर्स ऑफ द सेम इंडिविजुअल एंड डिफरेंट ओकेजन्स और एंड डिफरेंट क्वेश्चन सेट्स ऑफ इक्विलेंट क्वेश्चन इज कॉल्ड, यानी कि अलग अलग अवसरों पर और उसी के समान सेट पर एक ही व्यक्ति का जो प्राप्तांक है एक ही आता है तो हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं रिलायबल यानी कि विश्वसनीय है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्वसनीयता यानी कि रिलायबिलिटी। जैसा कि आप जानते हैं रिलायबिलिटी क्या होता है, जैसे कि प्रशिक्षण के मूल्यांकन की कसौटी यानी क्राइटेरिया ऑफ गुड टेस्ट के लिए आपका होता है रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, नॉर्म्स, स्टैंडर्ड। जो रिलायबिलिटी होता है या किसी भी
टेस्ट के मापन का विश्वसनीय बिंदु होता है। हम रिलायबिलिटी को कंसिस्टेंसी, डिपेंडेबिलिटी, स्टेबिलिटी, ट्रस्टवर्दीनेस या रिपीटेबिलिटी भी कहा जाता है। यानी कि रिलायबिलिटी होता है क्या है कि एक ही समूह पर बनाए गए परीक्षणों को एक से अधिक बार टेस्ट किया जाए तो हर बार परिणाम एक जैसे आए, यानी कि बार बार परीक्षण करने पर एक जैसा स्कोर आए, उसमें स्थिरता रहे, तो वो हम कहते हैं कि वो रिलायबल है। यानी कि जब कोई परीक्षण समान परिस्थितियों में समान लोगों पर कई बार 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 प्रयोग किया जाए तो उसके परिणाम लगभग समान आते हैं, तो उसे हम कहते हैं रिलायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 10 है, सर्वेक्षण शोध प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम है। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप इन सर्वे रिसर्च प्रोसेस। तो इसका सही क्रम क्या है दोस्तों? यहाँ पे आपका सही क्रम होगा ऑप्शन नंबर सी। कैसे होगा कि सबसे पहले क्या है, सिक्स है, यानी कि सबसे पहले हम किसी भी चीज़ में लक्ष्य निर्धारण करते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रतिदर्श को सीमा रहित बनाएंगे, यानी कि अल्टीमेटिंग द सैंपल। उसके बाद हम करेंगे आठवां आपका प्रश्नावली बनाएंगे। उसके बाद हम प्रायोगिक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम आमुख पत्र लिखेंगे। उसके बाद हम अनुवर्ती क्रिया करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, परिणाम विश्लेषण और रिपोर्ट तैयार करेंगे। परिणाम लास्ट में आता है, ठीक है। इस प्रकार आपका चरण होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति के चरणों का सही क्रम क्या है। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखना है समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति के चरण है, उसको सही क्रम में आपको दर्शाना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, समस्या का विकास करेंगे। तो 3 हो जाएगा समस्या का विकास। उसके बाद हम प्रकल्पना सूत्रीकरण करेंगे। उसके बाद हम आंकड़े एकत्रित करेंगे। तब लास्ट में परिणाम आता है आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो परिणाम विश्लेषण की व्याख्या लास्ट में आएगा। तो इस प्रकार हमारा 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक शोध पत्र के सार में आरंभ से लेकर अंत तक के विभिन्न भागों का सही अनुक्रमण कौन सा है। दोस्तों एक शोध पत्र के सार में आरंभ से लेकर अंत तक के विभिन्न भागों का सही अनुक्रम है। सबसे पहले हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए दोस्तों। बिना लक्ष्य या उद्देश्य के कोई भी कार्य नहीं होता। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑब्जेक्टिविटी यानी कि उद्देश्य होना चाहिए। उसके बाद हम उस उद्देश्य भी क्या करेंगे, उस पद्धति पर काम करेंगे, कुछ पद्धति लगाएंगे। उसके बाद उसका हमारा मेथोलॉजी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद परिणाम यानी कि रिजल्ट आएगा। फिर हम उस पर निष्कर्ष निकालेंगे, कंक्लूजन करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। यानी कि शोध प्रक्रिया उन क्रियाओं अथवा चरणों का क्रमबद्ध विवरण है जिसके द्वारा किसी शोध को सफलता के साथ संपन्न किया जाता है। शोध प्रक्रिया के कई चरण होते हैं। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि शोध प्रक्रिया में प्रत्येक चरण एक दूसरे पर निर्भर होता है। कोई चरण एक दूसरे से पृथक एवं स्वतंत्र नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रायोगिक शोध में प्रयुक्त अभिकल्प जिसमें रेंडम रूप से एकाएक रूप से चरणों का समूह का गठन किया जाता है और जो अवैधता के अधिकांश नियंत्रित करता है को जाना जाता है। तो दोस्तों इसको हम कहते हैं सही प्रायोगिक अभिकल्प, यानी कि द डिजाइन यूज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इन विच ग्रुप्स आर फॉर्म रेंडमली एंड विच कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ द
वेरिएबिलिटी इज नोन एज, इसको हम कहते हैं सही प्रायोगिक अभिकल्प। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, यानी कि दोस्तों प्रायोगिक शोध में प्रयुक्त अभिकल्प जिसमें रैंडम रूप से समूह का गठन किया जाता है और जो आवश्यकता के अधिकांश नियंत्रित करता है उसे हम सही प्रायोगिक अभिकल्प रूप में जानते हैं। वास्तविक या सही प्रायोगिक अभिकल्प में प्रायोगिक समूह तथा नियंत्रित समूह का यादृच्छिक आवंटन के द्वारा समतुल्य बनाया जाता है। इसी कारण इस अभिकल्प में आंतरिक वैधता के सभी कारकों को नियंत्रित किया जाता है। वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में वास्तविक प्रायोगिक अभिकल्प का प्रयोग एक कठिन कार्य है, क्योंकि इन परिस्थितियों में सभी चरों का नियंत्रण संभव नहीं होता तथा यादृच्छिक आवंटन भी संभव नहीं हो पाता। इस अभिकल्प का प्रयोग एक कठिन कार्य है, लेकिन जहाँ तक संभव हो इसी प्रकार के अभिकल्प का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रायोगात्मक शोध के सभी सिद्धांतों का पालन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, आपकी राय में सभी अनुसंधानों के लिए इनमें से मुख्य क्या है? तो दोस्तों किसी भी चीज़ के लिए क्या है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इन योर ओपिनियन विच ऑफ द दिज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल रिसर्च, सभी के लिए क्या है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, यानी कि प्रश्न होना चाहिए कि क्या क्यों। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक शोध प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर देने के लिए एक शोध परियोजना निर्धारित होती है। शोध प्रश्न चुनना मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान दोनों का एक अनिवार्य तत्व है। जांच के लिए डेटा संग्रह करना और विश्लेषण करने की आवश्यकता होगी और इसके लिए कार्यप्रणाली व्यापक रूप से भिन्न होगी। अच्छी शोध प्रश्न एक महत्वपूर्ण विषय पर ज्ञान में सुधार करना चाहते हैं और आमतौर पर संकीर्ण और विशिष्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, जब एक रिसर्चर धारणा विचार वैल्यूज वैल्यू सिस्टम थ्योरी आदि पर जानकारी एकत्र करता है तब वह निम्न का इस्तेमाल करता है। दोस्तों जब एक वेन रिसर्चर कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन ऑन प्रिसेप्शन आइडियाज वैल्यू सिस्टम थ्योरीज एट्सेट्रा देन एज यूज, तो जब एक रिसर्चर धारा विचार वैल्यूज वैल्यू सिस्टम थ्योरी आदि पर जानकारी एकत्र करता है तो वह किसका इस्तेमाल करता है, तो वह दोस्तों दार्शनिक विचारों का इस्तेमाल करता है, दार्शनिक अनुसंधान तकनीकों का इस्तेमाल करता है, यानी कि फिलोसॉफिकल रिसर्च टेक्निक का इस्तेमाल करता है। दार्शनिक शोध बताता है कि क्या होना चाहिए। दार्शनिक शोध में अर्थ स्पष्टता और अर्थपूर्णता होता है, विचार की संगति और दृढ़ता, मान्यताओं की चेतना और पद्धतिगत जागरूकता की आवश्यकता होती है। दार्शनिक शोध एक गुणात्मक प्रकार का शोध है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी परिकल्पना सीखने की सामाजिक पहलू को बताता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेसिस एग्जांपल द सोशल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, तो इनमें से कौन सी परिकल्पना है जो सीखने की सामाजिक पहलू को दर्शाता है, तो वह है आपका अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन। अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन, किसी चीज को देखना ऑब्जर्व करना, तो अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन परिकल्पना सीखने के सामाजिक पहलू को दर्शाता है। सामाजिक शिक्षण सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया और सामाजिक व्यवहार का एक सिद्धांत है जो प्रस्तावित करता है कि नए व्यवहार दूसरों को देखने और उनकी नकल करके हासिल किए जा सकते हैं। यह बताता है कि सीखना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो सामाजिक संदर्भ में होती है और विशिष्ट रूप से अवलोक या प्रत्यक्ष निर्देश के माध्यम से हो सकती है। तो दोस्तों ये था आज के सेशन में 16 MCQ क्वेश्चन। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ा ये कठिन है तो धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और जिस भी वीडियो में क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए
और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए जिससे और लोगों तक वीडियो पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद।